सिरसा का एकमात्र रेजिडेंशियल व डे बोर्डिंग स्कूल, जहां पर आपके बच्चे की शिक्षा, खेल एवं कंपटीशन की तैयारी एक साथ हो रही है। कक्षा थर्ड से हॉस्टल शुरू, कानपुर, दिल्ली, सीकर व साउथ इंडिया से स्टाफ कर्नल VH सिसोदिया व सूबेदार AIG लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की नौवीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी, 9952711118929551111। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिरसा के सामान्य बस स्टैंड में। इससे पहले मैंने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी कि सिरसा से बनी जाने वाली बसों के रूट को लेकर के, टाइम को लेकर के विवाद चल रहा था। उसमें मैंने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से एक बस संचालक दूसरे बस संचालक पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उसमें अपडेट क्या है वो जानने के लिए मैं सबसे पहले DTO साहब के पास गया, तो उन्होंने कहा कि वो मामले में छानबीन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, ऊपर जो है उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से काम करेंगे, आप मुझे परेशान मत कीजिए, मेरा काम मैं कर रहा हूँ। खैर चलिए, कोई बात नहीं, DTO साहब अपना काम कर रहे हैं, किस तरह से वो इस समस्या का समाधान करते हैं या नहीं वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि जो SS साहब हैं जो बस स्टैंड के अंदर, उन्होंने एक लेटर लिखा है RTO साहब को कि इन बसों के जो टाइमिंग है, दो बसों के नंबर है, उनके बीच में ओब्लिक का निशान दे रखा है, उस निशान को लेकर के सारी की सारी जो है वो समस्या है, जो मन मुटाव है वो चल रहा है। एक बस संचालक कहता है, दो बस संचालक हैं, वो कहते हैं कि ओब्लिक वाली बसें चाहे एक नंबर बस जाए चाहे दो नंबर जाए, लेकिन जो तीन और चार नंबर वाले हैं वो कह रहे हैं कि एक नंबर अगर बस चलेगी तो उसके पीछे हमारी तीन नंबर बस चलेगी, अगर दो नंबर बस चलेगी तो उसके पीछे चार नंबर बस चलेगी, लेकिन दूसरी बस के जो मालिक हैं वो कह रहे हैं कि अगर हम एक नंबर चलाएं या दो नंबर चलाएं वो उनकी सहमति है, लेकिन उसके पीछे तीन नंबर ही चलने चाहिए। ये सारी समस्या है। चलिए अब SS साहब से बातचीत करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, किस तरह की कार्रवाई आगे इसमें की जा रही है और आने वाले समय में किस तरह का इम्प्लीमेंट इसमें किया जाएगा, तमाम सारी बातें जो है वो जानेंगे और पूरी डिटेल क्या है वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताऊँगा। हमने इसके लिए RTO साहब को लेटर लिख दिया, भाई इनका ये स्थिति स्पष्ट की जाए कि दो दो गाड़ियाँ लगा रखी हैं, ये जिस तरह 88, 79, 50, 48 ओब्लिक 45, 47 ओब्लिक 50, 67 है, इसी तरह ये गाड़ियाँ हैं, 12 गाड़ियाँ हैं, तो इनके लिए ये स्पष्ट किया जाए भाई कौन सी गड्डी पहले चलेगी, तो सीरियल नंबर लगा दो इनके ऊपर ताकि भविष्य में झगड़ा ही ना हो। तो हमने लेटर जारी कर दिया है, GM साहब से साइन करवा के और RTO साहब को हमने लेटर भेज दिया है, एक दो दिन के अंदर उसका जवाब आ जाएगा तो फिर समय सारणी दुरुस्त हो जाएगी तो ये गाड़ियां सही चलेंगी। सर एक दो दिन तीन दिन पहले हमने एक नया टाइम टेबल भी जारी किया था। टाइम टेबल नहीं था जी, वो टाइम टेबल तो पीछे का ही है। अच्छा। टाइम टेबल तो पीछे का है, लेकिन ये कह रहे थे भी गाड़ियां अपोजिट हैं वो गलत चल रही हैं, तो हमने इनको फ़ोन करके भी सूचित कर दिया था भाई आप ये गाड़ियाँ अपने सही तरीके से चलाओ, तो लेकिन ये समस्या यहाँ आ रही है कि इन पर नंबरिंग नहीं है, ये बीच के अंदर ओब्लिक का निशान लगा दिया, तो कोई कह रहा है जी 88, 79 चले चाहे 50, 48 चले, तो इसके अंदर हम कंफ्यूज हो रहे हैं जी। तो ये RTO साहब को लेटर जारी कर दिया है, RTO साहब उसका आ जाएगा जवाब दो चार दिन में, तो वो नंबर लगा के भेज देंगे या टाइम टेबल दुरुस्त करके भेज देंगे, उन ऑपरेटरों को भी उन्होंने बुला रखा है भी, उनकी भी राय लेंगे वो भी समस्या कहाँ पैदा हो रही है, तो ये समस्या तो मिट जाएगी दो चार दिन में शायद। तो हाँ। पहले जो गाड़ियाँ चल रही थी, बसें चल रही थी, वो किस हिसाब से चल रही थी, ये ओब्लिक लगा रखा है तो ओब्लिक के हिसाब से चल रही थी। सर ये लॉकडाउन के बाद की समस्या पैदा हुई है। अच्छा। पहले कोई झगड़ा नहीं था इनका, लेकिन लॉकडाउन के दौरान कुछ गाड़ियाँ बंद हो गई और कुछ गाड़ियाँ चल रही थी, अब इनके लालच हो गया भाई किसी गाड़ी को तो आधा घंटा मिलने लग रहा है, किसी को एक घंटा मिलने लग रहा है, सवारियाँ आने लग गई तो इनके लालच हो गया, पहले गाड़ियाँ थोड़ी चल रही थी अब इन्होंने धीरे धीरे करके सारी गाड़ियाँ चला दी, तो झगड़ा इनका ये है। हाँ तो लॉकडाउन के दौरान ये अस्त व्यस्त हो गया था, अब लेकिन लॉकडाउन 7-8 तारीख को खुल जाएगा तो ये अपने आप रास्ते पर आ जाएंगे, तो ये और कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन इन्हें ऑपरेटरों का आपस में खींचतान हो रही है इनकी जी, तो इसमें रोडवेज का तो कोई है नहीं, ये प्राइवेट वाले आपस के अंदर ही यहाँ से चलाते हैं तो आगे रानिया गेट के ऊपर अड़ जाते हैं, कोई कह रहे मेरे आगे मोटरसाइकिल लड़ा दिया जी, कोई कह रहे मेरे आगे बस लड़ा दी, तो इनका आपस का ही है ये। हाँ जी
चलिए अब यहाँ पे ये एक टाइम टेबल है, कंफ्यूजन क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये 8857/0013 ये दो बसों के नंबर हैं। अब इसमें क्या है कि 8857 इस टाइम पे चले, 6:15 पे चले या फिर 0013 नंबर गाड़ी चले, ये दोनों मालिकों का आपस में सहमति है कि या तो 8857 चला ले 6:15 या फिर ये चला ले 0013। लेकिन दूसरे जो मालिक हैं वो क्या कहते हैं कि अगर 8857 यहाँ से चलेगी तो उसके पीछे ये 7878 ही चलेगी, दूसरी बस नहीं चलेगी। अगर ये 13 नंबर यहाँ से चलेगी तो उसके पीछे जो है ये 9352 चलेगी, ये इनका ऐसा कहना है। लेकिन अब कंफ्यूजन क्या है कि इन पे ओब्लिक दे रखा है, नंबर नहीं दे रखा कि एक नंबर ये चलेगी तो उसके बाद में ये दो नंबर चलेगी, ये तीन नंबर चलेगी। अब एसएस साहब ने बताया कि आरटीओ साहब से एक लेटर लिख करके एक दरख्वास्त की गई है कि इन गाड़ियों पे नंबरिंग की जाए कि एक नंबर पे ये चलेगी, दो नंबर पे ये चलेगी, तीन नंबर पे ये चलेगी। तो ये लेटर जो है वो लिख दिया गया है और लेटर लिखने के बाद अब किस तरह की कार्रवाई आगे की जाती है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो संस्थान प्रबंधन के अगर बात करूँ तो एसएस साहब के ओर से आरटीओ से ये डिमांड की गई है कि इनकी नंबरिंग की जाए जिससे कि इनका पूरा झगड़ा जो है वो ख़त्म हो जाए। खैर दो तीन दिन का समय लग सकता है, दो तीन दिन के बाद क्या यह झगड़ा खत्म होता है या फिर और मामला तूल पकड़ता है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो अधिकारी हैं वो लगातार इस मामले को सुलझाने की कोशिश में लगे हुए हैं, सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। कैमरा सहयोगी संपत के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।